हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको टूल टिप्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि टूल टिप्स क्यों यूज़ की जाती हैं, उसकी हम डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप उसको टॉप राइट लेफ्ट या बॉटम कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आप एक वेब पेज में मल्टीपल टूल टिप्स कैसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब मैं इस पहली इमेज पे होवर करूंगा फेसबुक आइकन पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ गई है टॉप पे, शेयर ऑन फेसबुक। और दूसरे पे जब मैं होवर करूंगा तो यहाँ पे आएगा लाइक अस ऑन फेसबुक। मीन्स ये टूल टिप्स हैं, मीन्स ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और आप देख सकते हैं इससे वेबसाइट भी दिखने में अच्छी लगती है। तो पहली टूल टिप जो है वो टॉप पे है, वो बता रही है कि ये बटन जो है वो शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, मीन्स शेयरिंग पर्पस के लिए इस पेज पे यूज़ किया गया है। और दूसरा जो है वो है लाइक बटन है फेसबुक का। तो इस तरह से मीन्स आप कह सकते हैं कि टूल टिप्स को हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप टूल टिप्स को यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो फ्रेंड्स, टूल टिप को बूटस्ट्रैप में यूज़ करने के लिए या तो आप बटन यूज़ कर सकते हैं या आप एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस ट्यूटोरियल में एंकर टैग यूज़ करूँगा। तो हाइपरलिंक रेफरेंस मैं हैश दे देता हूँ, आप चाहे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और उस सबसे पहले यहाँ पे मैं इमेज इंक्लूड कर लेता हूँ, और इमेज जो है वो मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर है, और इसका नाम है fp.png। तो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश fp.png। और ये इमेज थोड़ी बड़ी है मेरी, तो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, जिससे कि इसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट हो जाएगी। मैं 29 दे देता हूँ विड्थ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये इमेज इंक्लूड हो गई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइलिंग दे देता हूँ रो को, ताकि आपको मैं इसके बारे में सही से बता सकूँ कि कैसे टूल टिप वर्क करती है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 120 पिक्सल्स। मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये टॉप से मार्जिन आ गया 120 पिक्सल्स। तो फ्रेंड्स, अब टूल टिप को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एंकर टैग के साथ हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डाटा एट्रीब्यूट, जो कि हम पिछले ट्यूटोरियल्स में भी यूज़ कर चुके हैं। मैं लिखता हूँ डाटा टॉगल इक्वल टू, किसको हम टॉगल करना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ टूल टिप, मीन्स हम टूल टिप को टॉगल करना चाहते हैं। तो उसके बाद इसका एक और एट्रीब्यूट हम लिखेंगे, जो कि होगा डाटा प्लेसमेंट। वो होगा उसकी डायरेक्शन के लिए कि आप टूल टिप को कौन सी डायरेक्शन में यूज़ करना चाहते हैं, टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे या लेफ्ट साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा हाइफन प्लेसमेंट इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप, अगर मैं इसको टॉप पे शो करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं थर्ड चीज़ लिखूंगा इसकी टाइटल, जो कि टाइटल में शो होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेयर ऑन फेसबुक। अभी मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो ये सिंपल HTML टाइटल शो होगा, तो आप देखेंगे शेयर ऑन फेसबुक। अब हम इसको बूटस्ट्रैप टूल टिप की तरह यूज़ करेंगे, जो कि दिखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें थोड़ी सी जेक्वेरी लिखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको जेक्वेरी की नॉलेज नहीं भी है तो आप इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको आसानी से यूज़ कर सकेंगे। मैं इस कोड को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप इसको आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकेंगे। तो मैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं जेक्वेरी लिखता हूँ। तो सबसे पहले जेक्वेरी का डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लिखता हूँ, लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी सेमी कॉलन। मैं फंक्शन लिखता हूँ, और फंक्शन की जो होती है पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रेसिस जिसको आप बोलते हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ डॉलर साइन सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स देता हूँ, सिंगल कोट्स, और उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे, ये जो हमने एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा था डाटा टॉगल इक्वल टू टूल टिप, तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। डाटा टॉगल टूल टिप आ गया इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पे जस्ट बिफोर सेमी कॉलन यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डॉट टूल टिप, सॉरी टूल टिप। अभी मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे टूल टिप आ गया शेयर ऑन फेसबुक। इसी तरह से अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको मैं पी टैग के अंदर ले लेता हूँ, ताकि ये अलग अलग रोज में चला जाए। इसको मैं सेम कॉपी करता हूँ। सपोज अगर आप इस बार इमेज यूज़ नहीं करना चाहते, आप टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ लाइक अस ऑन फेसबुक।
और यहाँ पे भी मैं लिखूँगा टाइटल में लाइक अस ऑन फेसबुक। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे शेयर ऑन फेसबुक, ये सेकंड आगे लाइक एंड अस ऑन फेसबुक। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पे राइट लिख देता हूँ, तो ये राइट साइड पे टूल टिप आएगी। कंप्यूटर हैंग करके आई थिंक, तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे लाइक अस ऑन फेसबुक। अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, अगर मैं बॉटम करता हूँ तो बॉटम साइड पे टूल टिप आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, तो ये था फ्रेंड्स कैसे आप टूल टिप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ पॉप ओवर्स के बारे में, जो कि टूल टिप से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन पॉप ओवर्स में हम ज़्यादा कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। मीन्स ये भी इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पॉप ओवर्स भी इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम पॉप ओवर्स में एज़ कम्पेयर टू टूल टिप ज़्यादा कॉन्टेंट को शो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पॉप ओवर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक पी टैग लेता हूँ, उसके अंदर एंकर टैग लेता हूँ, मीन्स पी टैग, ताकि हम मल्टीपल पॉप ओवर्स यूज़ करें जो कि नेक्स्ट नेक्स्ट रो में चले जाएँ। तो उसके अंदर हाइपरलिंक रेफरेंस मैं हैश दे देता हूँ, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लिक हियर, मीन्स इसकी क्लिक के हम क्या इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा टॉगल, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले यूज़ किया था टूल टिप के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉप ओवर डाटा टॉगल, और उसके बाद सेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम इसकी डायरेक्शन के लिए, डाटा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पे मैं लिखूँगा इसकी डायरेक्शन, तो मैं इसको कर देता हूँ टॉप पे, मैं इसको टॉप पे शो करना चाहता हूँ। और इसके बाद आएगा टाइटल, टाइटल होगा पॉप ओवर में हेडिंग, जब मैं इसको डिस्प्ले करूँगा तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉप ओवर हेडिंग, और इसमें हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जो कि एक तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है पॉप ओवर, एक तो होती है हेडिंग और इसका होता है दूसरा कंटेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डाटा कंटेंट इक्वल टू, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कंटेंट आप लिख सकना चाहते हैं। मैं लॉरम इप्सम लिख देता हूँ, सिंपल टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो ये हमारा हो गया टाइटल, हेडिंग हो गया, डाटा कंटेंट, ये हमने पॉप ओवर के लिए हेडिंग लिख दिया। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे अभी कुछ भी नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने जो जेक्वेरी लिखी है, सेम जेक्वेरी वैसे ही लिखेंगे, जहाँ जहाँ हमने टूल टिप लिखा है वहाँ पे हम पॉप ओवर कर देंगे। इसको चेंज कर देता हूँ, तो आप देखेंगे डाटा टॉगल इक्वल टू पॉप ओवर डॉट पॉप ओवर, पॉप ओवर फंक्शन। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे टॉप साइड पे आ गया पॉप ओवर हेडिंग, उसके बाद उसका कंटेंट। तो इस तरह से आप पॉप ओवर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन जैसे लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे अभी तो ये लेफ्ट साइड पे स्पेस नहीं है, इसलिए हाइड हो गया, तो मैं इसको राइट साइड पे यूज़ कर लेता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे पॉप ओवर जो है राइट साइड पे आ गया। इसी तरह से आप और पॉप ओवर यूज़ करना चाहते हैं, आप सिंपल इसको कॉपी करो, कंटेंट जैसे पॉप ओवर हेडिंग टू, और इसका मैं लिखता हूँ न्यू कंटेंट या न्यू पॉप ओवर। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन राइट है, सॉरी इसकी डायरेक्शन हम बॉटम कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन बॉटम, इसकी डायरेक्शन राइट। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे, जब मैं इस पर क्लिक दोबारा करूँगा तभी ये हाइड होता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, जब कोई भी किसी भी जगह मीन्स इसके बाहर कहीं पे भी क्लिक करें तो पॉप ओवर हाइड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक और एट्रीब्यूट लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ डाटा ट्रिगर इक्वल टू फोकस, अभी मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे इसके क्लिक पे ये आ गया। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा बाहर तो ये पॉप ओवर हाइड हो जाएगा, ये डाटा ट्रिगर इक्वल टू फोकस एट्रीब्यूट लिखने से ऐसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इस टूल टिप्स और पॉप ओवर के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।